वही हरियाणा सरकार का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होने वाला है। इस बजट को लेकर एक ओर जहां व्यापारी वर्ग उम्मीद लगाए बैठा है, तो महिलाओं को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। वही अम्बाला से मेरे सहयोगी राजकुमार शर्मा ने इसका जायजा लिया। सरकार को थोड़ा सा भाव जो है वो सुनिश्चित करने चाहिए हर चीज के। नॉर्मली देखा जाता है जब पेट्रोल का बढ़ता है तो उसके बाद सब्जी का, दाल का, हर चीज का रेट जो है, अभी जैसे बेसिक चीजों का पेट्रोल का बढ़ गया, तेल का बढ़ गया, गैस का बढ़ गया, तो हर व्यक्ति को एक अपना दाम बढ़ाने का मौका मिल गया है। तो अगर सरकार इन बेसिक चीजों को कंट्रोल कर ले, उनके रेट को, तो उसके बाद मुझे लगता है कि आगे भी सरकार को जरूरत है कि बाकी के भाव भी थोड़े से कंट्रोल रखे जाएं, उन लोगों के ऊपर कंट्रोल रखा जाए जो लोग जमाखोरी करते हैं, उन पे थोड़ा सा सरकार नजर रखे, तो इस तरह की चीजें जो है वो ना सामने आए और जनता ना परेशान हो। एक महिला और गृहिणी होने के नाते हर गृहिणी का सबसे महत्वपूर्ण घर में जो हिस्सा होता है वो होती है किचन। तो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे सिलेंडर्स जो हैं 450 रुपए में आते थे, आज उनका रेट 1,000 रुपए हो गया है। सरकार ने उज्ज्वला योजना भी शुरू करी थी तो उसमें फ्री सिलेंडर मिले थे, लेकिन आज तक अब जो इतनी महंगाई हो गई है लोग उसको भी लेने में असमर्थ हैं। तो जो कामकाजी और घरेलू महिलाएं हैं उन पे तो बहुत ज्यादा असर पड़ा होगा इस चीज का। जो दालें हैं, जो सब्जियां हैं और जो चीजें हैं उनकी महंगाई रेट इतनी बढ़ती जा रही है, नॉर्मल कमाने वाले तो फिर भी मतलब इसको नहीं हायर कर पा रहे, तो गरीब लोगों के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल है। सरकार का जो आगे आने वाला बजट है, सरकार कह तो रही है कि जन सुविधाओं के लिए हम बहुत कोशिशें करेंगे, अच्छी शासन की बातें करते हैं, सुशासन की, लेकिन ये है कि आने वाले बजट के लिए हम तो सरकार से एक्सपेक्टेशन ये करते हैं कि सरकार को पहले डीजल और पेट्रोल के रेट कम करने चाहिए। अगर सरकार डीजल और पेट्रोल के रेट कम करती है उससे आधी महंगाई की जो ना, इस टाइम महंगाई से लोग बहुत त्रस्त हैं, तो उससे अपने आप ही फ्रेट कैरियर के अंदर जो खर्चा होता है वो खर्चा कम, लागत कम आएगी, तो ऑटोमेटिकली जो है ना चीज़ों के दाम जो है कम हो सकते हैं इससे, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा ट्रांसपोर्ट का ही पड़ता हैगा, तो उसी से जो है ना महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो इसके ऊपर सरकार को वाकई, अगर सरकार लोगों के बारे में संजीदा था, डीजल और पेट्रोल के रेट बल्कि केंद्र सरकार को भी कम करने चाहिए थे शुरू से ही।